रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनावों के लिए अंतिम चरण के चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल ने लालड़ी में आयोजित नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए चारों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। धूमल ने कहा कि चुनाव का अंतिम चरण में लोगों के उत्साह को देखकर बीजेपी की जीत रिकॉर्ड मतों से होगी। लोकसभा चुनावों के लिए अंतिम चरण के चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल ने लालड़ी में आयोजित नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए चारों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। धूमल ने कहा कि चुनाव का अंतिम चरण में लोगों के उत्साह को देखकर बीजेपी की जीत रिकॉर्ड मतों से होगी। बढ़िया लग रहा है, जब शुरू किया था तब भी पता था कि चारों जीतेंगे और अब अंतिम चरण चल रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं लोगों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारी उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है रिकॉर्ड तोड़ मतों से चारों की चारों सीटें हिमाचल में हम जीतेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अनुराग ठाकुर को बड़ा नेता बनाने वाले बयान पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस बिना वजह से बयानबाजी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने कह दिया होगा, जाकी जैसी भावना तैसा उसको दिखाई देगा। जो अच्छा में रहना चाहेंगे उनको अच्छा लगेगा, कोई उनको बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा। धूमल ने कहा कि राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है और कांग्रेस में हुए बड़े घोटालों बोफोर्स अगेंस्ट ऑफ वेस्टलैंड पंडुबी जैसे पुराने घोटालों को दबाने के लिए कांग्रेस बिना वजह से राफेल के मामले पर शोर कर रही थी, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी है, अब मुद्दा उनके भाषणों में भी नहीं आता। इस करके स्पष्ट हो गया कि मुद्दा केवल चुनाव में बोफोर्स और अगस्टा बेस्ट हेलीकॉप्टर के और पनडुब्बियों के जो घोटाले कांग्रेस ने किए थे उनको दबाने के लिए, उनको छिपाने के लिए ऐसा शोर किया गया था, जो साबित हो गया कि उन्होंने गलत बोला था और माफ़ी मांगनी पड़ी उन्हें।